अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ सिर्फ यही खिलवाड़ नहीं होता रहा कि हमारे वसाइल पर चंद हज़ार लोगों ने और इक्तदार पर कब्ज़ा करके हमें ग़ुलाम बना लिया, बल्कि हमारी तरीक के साथ भी मुसलसल मतवातर 76 साल से खिलवाड़ हो रहा है। आज बल्कि कई दहाइयों से जो हमें यौम पाकिस्तान का नशा आवर शरबत पिलाया जा रहा है, आपको वाजह करता चला जाऊं कि ये इसकी तारीख दुरुस्त 23 मार्च नहीं, ये 24 मार्च है। 22 मार्च से 24 मार्च तक लाहौर में ये अजलास चला था, जिसमें फिर 24 मार्च को जाकर ये करारदाद मंजूर हुई थी। 23 मार्च को इसलिए ये मनाते हैं और हमें बताते भी नहीं कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला, खैर से पहला ईंद उस दिन पास हुआ था, मंजूर हुआ था, नाफज हुआ था। तो जनाब, जिस वक्त ये लाहौर में मुसलमानों के इज्तिमा की तैयारियां हो रही थी करारदाद पेश करने की, आज़ादी की भीख मांगने की, उसी दौरान हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में हुर्रियत पसंद, आज़ादी के मतवाले, जान फरोश इस धरती के बेटे अंग्रेज़ को अंग्रेज़ की गुलामी से इसे आज़ाद करवाने के लिए मुसल्ला जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसा ही एक वाक्या लाहौर का है, इसे मैं मसल्ला जद्दोजहद तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसे रंग ऐसा दे दिया गया और तरीक़ से मैप कर दिया गया। ये जनाब वाक्या है 19 मार्च 1940 का, जिस दिन हज़रत अल्लामा अनायतुल्ला मशरकी ने अपने जांबाज सरफरोश साथियों की मदद से मार रोड लाहौर पे हसूल आज़ादी के लिए पर अमन जुलूस निकाला और साम्राज्य अंग्रेज़ को ललकारा। साम्राज्य को कब ग्वारा था कि कोई करारदादों से हटकर, मिनतों तरलों से हटकर, भीख मांगने से हटकर, इस तरह आंखों में आंखें डालकर आज़ादी की बात करे। तो जनाब 19 मार्च 1940 की सुबह के सूरज ने अल्लामा साहब के जांबाज साथियों खाकसारों को खाको खून में तड़पते देखा और रात के सितारों ने इन्हें गमनामी की हालत में दफन होते देखा, जिनमें अमीर जमात खाकसारान अल्लामा अनायतुल्ला मशरकी के साहबजादे असानुल्ला भी शहीद हुए और उनके बड़े बेटे कैद होकर काला पानी पहुंच गए। तो ये है यौमे पाकिस्तान की हकीकत और उसके पसे पुष्ट हमारे बुज़ुर्गों की मुकद्दस कुर्बानियाँ, उनका मुकद्दस खून जो उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए पेश किया, मगर उनकी इन कोशिशों को हम पे मुसल्लत साम्राज्य के गुलामों ने 1947 में ही हाईजैक कर लिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, करारदादे पाकिस्तान की दुरुस्त तारीख 24 मार्च है, जब हम इसे याद करें तो हमें अपने गाजी मुजाहद जख्मी शहदा को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह पाक उन सब पे बेशुमार रहमतें करे, उन पे बरकतें नाजिल करे, उनके मकामात जन्नत में आला से आला करे,
वो खाक किसी भी मज़हब से तल्लक रखते थे, किसी भी कौम से, किसी भी इलाका से, किसी भी ज़बान से, उनके जूतों की खाक मेरे सरमा का सरमाया, मेरे सब गाजी मुजाहिद शहीद, जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।